आइए हम मेरी भविष्यवाणी के पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यीशु नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन दबाव के समय परमेश्वर में बने रहना। जिस तरह निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 के 7 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन को जब हम पूरा पढ़ें कि इजरायली मिस्र की गुलामी में होते हुए भी वे फलवंत थे और बढ़ते जा रहे थे, तब फिरौन राजा ने सोचा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो यह लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर उसने उन्हें दुख देना शुरू कर दिया और पहले से ज्यादा बोझ और काम देना शुरू किया। उस भारी दुख और बोझ के कारण इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची। तब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनके ऊपर चित्त लगाया। याद रखें, जब तक उनको भारी दुख और बोझ नहीं दिया गया तब तक उन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। इसके बावजूद कि वे गुलामी में थे उस वक्त उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना उचित नहीं समझा था और उनके अंदर उस वायदे को पूरा करने की कोई लगन नहीं थी जो परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ किया था। फिर जब उनके ऊपर भारी बोझ पड़ा तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके लिए भेजा और उन्हें छुड़ाया। मेरे प्रियो, आपका बोझ बीमारी गरीबी और दुख आपको परमेश्वर की ताकत दिखाने के लिए है। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को दिखाने के लिए उन पर दबाव दिया था, बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में कोई बोझ ना होता तो वह परमेश्वर की हजूरी में ना होते, क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना में भी आपके लिए आशीष है। जब परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाले तो हमेशा खुश और आनंदित रहें, क्योंकि उसी परीक्षा में जब आप खड़े निकलेंगे तो आपको मुकुट दिया जाएगा। आपका वही दुख और हीन भावना आपको परमेश्वर के और करीब करेगी और परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में दिखाई देगी जो पहले आप कभी भी देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान रखेंगे तो कभी बंधन और निराशा आपके जीवन में नहीं होगी, बल्कि आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और यह जानते हुए कि आपका अगुआ वही है जो इजरायलियों का था, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर वह आपको समुद्र की ओर लेकर जा रहा है तो इसलिए कि समुद्र को दो भाग करे और आपको बताए कि जहां पर कोई रास्ता नहीं वहां मैं रास्ता निकालने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को इस्तेमाल करेगा अपने करीब लेकर लाने के लिए, ताकि जो प्रतिज्ञाएं और वायदों के साथ परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है वह पूरा हो सके। आमेन, आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की, मैं हर एक परिस्थिति या दबाव के समय में आपके साथ जुड़ा रहूं। मुझे अनुग्रह दे पिता कि मैं आपके वचनों को सही रीति से समझ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। सब कुछ मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।